आजकल की लेडीज ब्लाउजें कभी इधर लेस कभी उधर लेस, कभी बैक लेस कभी स्लीव लेस, और जब मर्द कोई भी पलट कर देखे तो बेचारा कैरेक्टर लेस। सोना, हाँ आपको पता है अगर आप लोगों की लाइफ में हम श्रीमतियाँ ना होते ना तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता था। अबे तेरे को एक बात बताऊँ, हाँ भगवान है ना, हाँ जिसकी मति खराब होती है ना हाँ, उसी को श्रीमती देता है। क्या बोला? जो बच्चा ड्राइंग में फेल हो गया वो क्या बनेगा? अंकल मैं एक बात बताती हूँ आपको, मेरे को टीचर कहती है अंडा बना, मैंने आम बना दिया, मेरे को बहुत मारा, कहती है तूने आम क्यों बनाया, मैंने कहा देखो टीचर जी आज मंगलवार है ना, मैं अंडा खाती हूँ मैं ना बनाती हूँ। यार बहन जब तेरी शादी होगी ना मैं तेरे पति को सबसे पहले किस करूंगी। अच्छा हाँ पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? मैं शादी तेरे भाई से करूंगी। यार बहन का तुम क्या लोगी? जो मर्जी मंगा ले। वेटर वेटर ओ वेटर सुनता कौन है कितने उरे ना। हाँ मैडम आप क्या? शादी हो जाती है तब पता लगता है कि शादी क्या चीज है जी। मनुष्यों में भी शादी होती है लेकिन जानवरों के पशु पक्षियों के शादी के बारे में क्या ख्यालात हैं, इस पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ जी। कोयल ने कौवे से पूछा। अच्छा जी। कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की। कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की, कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है। अरे सुनिए हाँ? मुझे ना आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी वाले। हाँ बोल। मैं अपन है ना 2 से 3 होने वाले। अरे वाह यार तूने तो बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है। चल डॉक्टर के कब चलना है फिर? यार डॉक्टर के क्यों चलना है, अपन तो कोई बस स्टैंड चलना है ना। क्यों? अरे वो मम्मी आ रही है ना आज। क्या? तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। ए भैया ये तो मिर्ची जैसा तीत लागत या हो। ए भैया मीठ लागल हो कि तीत। सुनो हाँ? ये लड़की की शादी 18 साल बाद और लड़के की 21 साल बाद ही क्यों करते हैं? क्योंकि लड़का लड़की से बड़ा होना चाहिए ना। नहीं जी। तो क्योंकि लड़कियों को क्या है ना 18 साल की उम्र में ही अकल आ जाती है और लड़कों को निकम्मे होते हैं, इसलिए 21 साल तक भी। मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब पहाड़ से कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया हाँ। हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेकूफ मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा, उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए। हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। बहुत अच्छे कार। और मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ पुष्कर में कैफे मामा सीता के अंदर, जो कि बहुत शानदार कैफे अभी खुला है, तो आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे पुष्कर। और कैफे मामा सीता को मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट। अरे ओ मैं ऑफिस जा रहा हूँ महारानी। अरे इतनी जल्दी आप ऑफिस जा रहे हो, कोई बैठा होगा वहाँ पर, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। देखो मैं कितना सुंदर तैयार हुई हूँ। चल तो तेरे लिए एक शेर सुना देता हूँ। हाँ, हाँ, बोलो बोलो। मोहब्बत कर ली है मैंने तुझे सोचने के बाद, अब किसी को नहीं देखना तुझे देखने के बाद, दुनिया छोड़ देंगे तुझे मिलने के बाद। अच्छा खुदा माफ करे इतने के बाद। क्या बोला आपने?